5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी ने उठा लिया। ऑपरेशन बाद का हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयां, टेस्ट और घर पे जाने के 300 रुपया। भाई तुम नारे मत लगाओ, दिल्ली वालों को ये फायदा नहीं मिलता है क्योंकि मोदी जी की योजना केजरीवाल ने दिल्ली से कट ऑफ कर रख दी। क्या बिगाड़ा चाहे दिल्ली के गरीब लोगों ने आपका? मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, आपके मन में पॉलिटिक्स है, ये मोदी जी की योजना पहुंचाएंगे तो मोदी जी गरीब के दिल में घर कर जाएंगे। केजरीवाल जी आप योजना पहुंचाओ न पहुंचाओ, मोदी जी पूरे भारत के दिल में बसे हुए हैं मित्रों, पूरे भारत, उसको आप नहीं निकाल सकते। अनधिकृत कॉलोनियां बसी है, 50 लाख की आबादी, शायद चकुर बस्ती में न हो अनधिकृत कॉलोनी, मगर दिल्ली की 50 लाख की आबादी अनधिकृत कॉलोनी में बसती थी। कलम के एक झटके से मोदी जी ने वो सबको अधिकृत कर अपने घर का अधिकार देने का काम करा। इस प्रकार से ये सारे दिल्ली को अच्छे से मोदी जी संवारना चाहते हैं। 5 साल तक ये झूठे वादों के आधार पर केजरीवाल जी ने दिल्ली चलाया है। मैं आपको आज एक ही वादा करने जाता हूं, और हम भारतीय जनता पार्टी वाले जो बोलते हैं वो करते हैं, और मोदी है तो क्या, जोर से बोलो मोदी है तो। मैं आज एक वादा कर जाता हूं, डॉक्टर वत्स को जिता दो, दिल्ली में भाजपा की सरकार बना दो, 5 साल के अंदर दिल्ली को देश की सबसे, दुनिया की सबसे खूबसूरत राजधानी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अभी अभी दिल्ली के पानी के परीक्षण हुए, टेस्टिंग हुए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के माध्यम से 21 शहरों के नमूने लिए गए, सैंपल्स लिए गए, और उसके अंदर सबसे नीचा नंबर दिल्ली का आया। मित्रों दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं बचा है, और जल बोर्ड का के चेयरमैन कौन है? बोलो भाई कौन है? 178 करोड़ के फायदे में जल बोर्ड चढ़ता था, केजरीवाल जी खुद चेयरमैन बन गए, 800 करोड़ के घाटे में पहुंच गए, ऐसा है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। और मित्रों इन्होंने दिल्ली को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं आपको कहकर जाता हूं कि एक ही साल में दिल्ली को शुद्ध पानी पीने की पूरी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। मित्रों नरेंद्र मोदी, मित्रों मोदी जी ने पूरे दिल्ली के अंदर मेट्रो का जाला बिछाया है, फ्लाईओवर बनाए हैं, बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं, गांव के अंदर सुविधाएं लाने का प्रयास किया है, अनधिकृत कॉलोनी को, झोपड़पट्टी को, जहां झोपड़ी वहां मकान, उसका वादा किया है। और आज मैं कहने आया हूं 2019 में दिल्ली वालों ने हर्षवर्धन को जिताकर, हमारे हर्षवर्धन जी को जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 303 सीटें आपने दे दी, पूर्ण बहुमत दे दिया, राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत दे दिया, और मोदी जी ने 70 साल पुराने सारे सवालों का निराकरण 6 महीने के अंदर कर दिया। मुझे बताओ सकुर बस्ती वालों, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो कि कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग हो? जोर से बोलिए, चाहते हो या नहीं चाहते? 70 साल से, जवाहरलाल नेहरू के समय से धारा 370 और 35 से डाल कर गए थे, कोई उसको हाथ नहीं लगाता था। नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 और 35 को हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का। और अभी 26 जनवरी थी, 26 जनवरी के दिन
जब कश्मीर के आसमान के अंदर हमारा तिरंगा लहराता देखते थे, पूरे देश के लोग दिल में शांति और गर्व का अनुभव करते थे कि आज हमारे कश्मीर के अंदर तिरंगा लहरा। 370 क्यों नहीं हटती? कई सरकारें आई कांग्रेस पार्टी की, आप पार्टी जैसी पार्टियों की, ये सब एक ही ठेले के चक्के में, कांग्रेस, आप, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, ये सारे, ममता दीदी, एक ही ठेले के चक्के में। क्यों नहीं हटती थी 370? क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरते थे, वोट बैंक को खुश करने के लिए नहीं हटाते थे। सकुरु बस्ती वालों, आप पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक हो क्या? जरा जोर से बोलो, हो क्या? वो क्या भाई, उनका वोट बैंक कौन है मुझे बताओ, जरा जोर से बोलो कौन है, और जोर से बोलो कौन है, और जोर से बोलो कौन है, वो अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए 370 नहीं हटाते थे। हम नहीं डरते हैं वोट बैंकों से, हमारा पूरा ध्यान भारत माता को सुरक्षित करने के लिए है, इसलिए मोदी जी ने हटा दिया। सकुर बस्ती वालों बताओ मुझे, 500 साल से इस देश का हर आदमी चाहता था कि अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने। सकुर बस्ती वालों, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब भी केस आता था कांग्रेस और आप पार्टी और बाकी पार्टियां तारीख पर तारीख, कपिल सिब्बल कहते थे अभी न मराओ, अभी मत केस चलाओ। क्यों भैया कपिल, तेरे पेट में क्या दुख रहा है? मित्रों, मोदी जी आए, केस चल गया, परिणाम भी अच्छा आया, पांचों जजों ने कह दिया कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं भव्य मंदिर बनेगा, वहीं भव्य मंदिर। और मित्रों, आज मैं कहकर जाता हूं कि 4 महीने के अंदर जहां पर श्री राम का जन्म हुआ था वही स्थान पर आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, ये क्यों नहीं बनाते थे राम मंदिर? जरा बताओ क्यों नहीं बनाते थे? अपनी वोट बैंक से कर। अरे सुनो भैया, ये राम मंदिर क्यों नहीं बनाते थे? अपनी वोट बैंक से करते थे। आप हो उसकी वोट बैंक? आप हो क्या? मैं जल्दी नहीं मानूंगा, सब लोग बोले आप हो क्या? कौन है? जोर से बोलो कौन है? जोर से बोलो कौन है? मित्रों, ये JNU मालूम है ना, JNU, वहां 2 साल पहले नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो एक हजार। मोदी जी ने वो कन्हैया कुमार और उमर खालिद को पकड़कर जेल में डाल दिया। अच्छा किया या बुरा किया? सवा साल से कोर्ट केजरीवाल सरकार से परमिशन मांग रही है कि इनके खिलाफ केस चलाने का परमिशन दो, केजरीवाल नहीं देते। आज 12वां दिन मैं हर सभा में उनको पूछता हूं, केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आप परमिशन दोगे या नहीं दोगे, बताओ जरा। एकदम चुप हो गए, हर बात में ट्वीट कर जवाब देते हैं मगर इसका जवाब नहीं देते हैं। अभी ये सरजील इमाम पकड़ा गया, उन्होंने ट्वीट ठोक दिया, अमित शाह आप गृह मंत्री हो पकड़ लो, लो हमने तो आपकी बात मान ली, पकड़कर जेल के पीछे डाल दिया। मगर अब आप उसको परमिशन दोगे क्या? भाई जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? युवाओं, सरजील इमाम जेल में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देश के टुकड़े करने वालों को जेल के पीछे डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? ये केजरीवाल जवाब ही नहीं देते। जादू वाले आए तो पूछोगे ना भाई, पूछोगे ना कि क्यों नहीं परमिशन देते हो? जरा बोलो, पूछोगे या नहीं पूछोगे? अरे इतनी सारी बहनें
बैठी है, मटकी खरीदते है ना, मटकी खरीदते ना तो भी टकोरा लगाकर देखते हैं कि अच्छी है या नहीं है। ये तो दिल्ली का सीएम तय करना है, जरा टकोरा लगा देना, नकली मटकी ना आ जाए। मुझे बताओ ये परमिशन क्यों नहीं देते हैं भैया? उनकी वोट बैंक से डरते हैं। आप उनकी वोट बैंक हो? ना बोल रहे हो, सुनना भाई, चुनाव के दिन याद रखना, ना बोल रहे हो। आप उनकी वोट बैंक हो? जोर से बोलो, उनकी वोट बैंक हो? उनकी वोट बैंक कौन है? जोर से बोलो, उनकी वोट बैंक कौन है? मित्रों, अभी अभी मोदी जी की सरकार चल रही है, 5.5 साल हो गए। 5.5 साल पहले सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, कांग्रेस की सरकार चलती थी, यूपीए की सरकार चलती थी। पाकिस्तान से आए दिन आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, अपमानित करते थे, और मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह से ऊफ नहीं निकलता था, नहीं बोलते थे। वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री 14 में बना दिया। उरी और पुलवामा पर हमला हुआ, पाकिस्तान को लगा हर बार जाते इस बार भी चले जाते हैं, आ तो गए। उनको मालूम नहीं था अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की कमल फूल की सरकार बन गई है, और मौनी बाबा मनमोहन सिंह अब प्रधानमंत्री नहीं है, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो 10 ही दिन के अंदर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर सेना को हुक्म दिया और पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के सीने छल्ली कर भारत माता की जय के नारे के साथ अपनी सेना विजयी होकर। और दूसरे ही दिन, देर नहीं लगाते, दूसरे ही दिन ये केजरीवाल, ममता, राहुल, ये सारे लोगों ने कहा सबूत लाइए, सबूत लाइए, सबूत लाइए। अरे अकल के बूटो, सबूत मोदी जी से क्या मांगते हो? पाकिस्तान की चैनल खोलकर देख लो, छातियां पीट पीट कर रो रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? तो देश भर में इस घटना के कारण गौरव का अनुभव किया। ये जो टोली है एपिसमेंट करने वाली, तुष्टिकरण करने वाली, वो सबूत मांगती थी। और मित्रों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी सबूत मांगते हैं। इनकी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा एक समान होती है। एक 370 हटाओ, ये बोलेंगे न हटाओ, वो भी कहते हैं न हटाओ। हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सबूत मांगेंगे, वो भी सबूत मांगेंगे। हम राम मंदिर बनाएंगे, वो भी ना बोलेंगे, ये भी ना बोलेंगे। हम सीए लाएंगे, वो भी ना बोलेंगे, ये भी ना बोलेंगे। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इमरान खान, राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच में रिश्ता क्या है। आपकी समझ में आता है? आता है तो मुझे एक पत्र लिख देना जरा भैया, मैं तो समझ नहीं पाया। मगर ये सबूत क्यों मांग रहे थे? अपनी वोट बैंक के कारण। मुझे बताओ, आप उसकी वोट बैंक हो क्या? जरा जोर से बोलो, हो क्या? कौन है उसकी वोट बैंक? जोर से बोलो, कौन है उसकी वोट बैंक? तो अभी मोदी जी सीएए लेकर आए, सीएए में उन्होंने जनता को उकसाने का काम किया, दंगे करा दिए और दिल्ली की शांति को खलल पहुंचाई। आपने देखे थे ना दंगे? देखे थे या नहीं देखे थे? कौन करता है मालूम है ना मित्रों? उन्होंने दंगे कराए। सीए क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है कि धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने 15 अगस्त 1947 को देश के दो टुकड़े कर दिए, लाखों लाखों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह गए। उस वक्त आते थे तो मार काट मार डालते थे। गांधी जी ने कहा वहीं रह जाइए, बाद में आ जाए। और मित्रों, जब वो आने लगे, नहीं आए तो वहां पर उनकी छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर ले गए, नाबालिग बच्चियों से निकाह पढ़वाया, धर्म परिवर्तन किया, घर के लोगों के सामने ही घर की महिलाओं को बेइज्जत किया, उनके मकान ले लिए, जायदाद ले ली, करोड़ों रुपए के मालिक
जब भारत आए तो दाने दाने के मोहताज हो। और मित्रों, ये लोग अपनी महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए भारत की शरण में आए। लाखों लोग, करोड़ों लोग 70 साल से आते गए, उनको ये नागरिकता नहीं देते। और केजरीवाल आज कहते हैं कि तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानियों को नागरिकता देती है। मुझे बताओ माताओं, बहनों, भाइयों, मैं आपसे पूछने आया हूं, जो पाकिस्तान से हमारे भाई आए हैं, वहां अत्याचार के मारे आए हैं, वो पाकिस्तानी है क्या? नहीं। पाकिस्तानी है क्या? नहीं। अरे केजरीवाल, आप इनको पाकिस्तानी कहने का क्यों गाली बोल रहे हो? ये दिल्ली जो है ना, ये दिल्ली 30% पाकिस्तान से आए हुए मेरे पंजाबी सिख हिंदू भाई बहनों की, ये पंजाब, ये जो वहां से आए हैं पाकिस्तानी नहीं है, हमारे भाई है, हमारे बहन है। उनको नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है और नागरिकता प्राप्त करने का उनका अधिकार है। आप जो कहो कहो, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जितना अधिकार मेरा और मेरे बेटे का इस देश पर है, उतना ही अधिकार पंजाब और पाकिस्तान से आए हुए हमारे शरणार्थी भाइयों बहनों का है, सिखों का है, हिंदुओं का। तो मुझे बताओ, वक्त के मारे इन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी? ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तुमको नागरिकता न दो। क्यों विरोध कर रहे हैं भला बताओ? जोर से बोलो, क्यों कर रहे हैं? उनकी वोट बैंक के कारण कर रहे हैं। आप उनकी वोट बैंक हो? जोर से बोलो, आप उनकी वोट बैंक हो? उनकी वोट बैंक कौन है? जोर से बोलो, कौन है? मित्रों, ये देश को सुरक्षित रखने के, देश को अखंडित करने के, रखने के हर मुद्दे का विरोध करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ये दिल्ली को, ये देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। दिल्ली और देश को सुरक्षित रख सकता है तो एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे विकास के भी मुद्दे हैं, मगर देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। जब देश ही सुरक्षित नहीं होगा, किस प्रकार से हम विकास को क्या करें? इन्होंने तो विकास भी नहीं करा और देश की सुरक्षा के साथ भी धोखा किया है। मित्रों, मुझे बताओ, मैं आज आपको पूछने आया हूँ, सकुर बस्ती के अंदर आप हमारे डॉक्टर वत्स साहब को जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? पक्का जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? ये सभा समाप्त होने के बाद हर व्यक्ति ने 50-50 लोगों को दिल्ली में फोन करना है कि कमल के निशान पर बटन दबाओ। भाई को, भाभी को, चाचा को, चाची को, बुआ को, फूफा को, सास को, ससुर को, माता को, पिता को, दोस्त को, सबको फोन करने करोगे क्या? 50 फोन करने की कमल के निशान पर बटन दबाओ, करोगे? सभी लोग 10:30 बजे के पहले अपने परिवार के साथ वोट डाल दोगे? कहाँ बटन दबाना है? जरा जोर से बोलो, कहाँ दबाना है? कमल पर दबाना है। कमल पर बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन कमल का दबे, हमारे सकुर बस्ती में दबे और करण शाहीबाग के अंदर दबाएंगे। मोदी जी को हाथ मजबूत करेंगे, दिल्ली को सुरक्षित करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।